जहां पानी है वहां तरक्की है। देश के दीर्घदृष्टा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूर्वोत्तर और ब्रह्मपुत्र के विकास की दिशा में प्रस्तुत की रूपरेखा। पूर्वोत्तर की सुंदरता में लीन होने आ रहे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सैलानियों के लिए जोगीघोपा, पांडू, विश्वनाथ घाट और निमाटी घाट जैसे टूरिस्ट पॉइंट पर शिलान्यास हो रहा है टूरिस्ट जेटी का। यह जेटीज क्रूज वेसल और अन्य वाटर टूरिज्म के जरिए बढ़ाएगी सैलानियों की सहूलियत। इसी के साथ कार्गो डेटा यानी कि कार्डी और पोर्टल फॉर एसेट्स एंड नेविगेशनल इंफॉर्मेशन यानी कि पानी, दो ऐसे पोर्टल तैयार किए गए हैं जो स्टेक होल्डर्स के डिजिटल साथी बनेंगे। कार्डी पोर्टल पर माल सामान से संलग्न सारी जानकारी और शिपर एवं कार्गो ट्रैफिक व पैसेंजर ट्रैफिक के डेटा मिल पाएंगे। साथ ही पानी के जरिए नदी मार्ग से संबंधित सारी जानकारियां मुहैया करवाई जाएगी। साथ ही प्रधानमंत्री कर रहे हैं रोपेक्स फेरी सर्विस का लोकार्पण। असम में नेमाटी और माजुली के बीच एमवी रानी गायदिनल्यू और एमवी सचिन देव बर्मन फेरी, धुबरी और हाटसिंगीमारी के बीच एमवी बॉक खतिंग फेरी एवं नॉर्थ और साउथ गुवाहाटी के बीच एमवी जेएफआर जेकब फेरी कार्यरत होगी। तपस्वी जोगियों के क्षेत्र जोगीघोपा में अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्य आवागमन को बढ़ावा देने हेतु हो रहा है शिलान्यास इनलैंड वाटरवेज टर्मिनल का। लॉजिस्टिक की सारी सुविधाओं से सुसज्जित यह टर्मिनल भूटान और बांग्लादेश के साथ व्यापार के नए अवसर लेकर आएगा। इन सारे निर्माणों के मूल में है पूर्वोत्तर के करोड़ों लोगों के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करना। इसका अर्थ है आत्मनिर्भर भारत के लिए रोजगार सृजन, क्योंकि पूर्वोत्तर संपन्न होगा तब देश समृद्ध होगा।